सीधी बात में आपका फिर एक बार स्वागत है। तुकाराम मुंडे साहब हमारे साथ में हैं। सर, बजट की हमने बात की है, आपने एक बहुत ज़बरदस्त बजट पेश किया, 3,000 करोड़ तक पहुंच गया है हमारा, और उसमें आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स की बात की सब की, लेकिन जो हम शुरुआत में भी बात कर रहे थे, जो क्लैशेस चल रहे हैं आप में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में, जिस तरह से स्टैंडिंग में हुआ आपको बोलने को मना किया गया, नहीं दिया गया बोलने, क्रिटिसाइज़ किया गया है आपको, फाइनली आपके जो प्रपोजल्स थे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, वाटर टैक्स को लेकर, ये सब रिजेक्ट किए गए, एंड अब जीबी में भी ऑब्वियसली सभी को पता है क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। इसमें आप अपना बजट किस तरह से देख रहे हैं, कि अगेन उसमें ये बात फिर से आई थी कि हमारे तो आपने सजेशंस ही नहीं लिए हैं, इसके अंदर आपने जो अपना सोचा वो कर दिया, आपने जो पहले के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उस पर कुछ ध्यान दिया ही नहीं है, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस थिंग? बजट मेकिंग एक्सरसाइज इज वेरी साइंटिफिक एक्सरसाइज, ये पहले समझ आना चाहिए। बजट के दो साइड रहते हैं, एक रिसीट साइड और दूसरा एक्सपेंडिचर साइड, और एक्सपेंडिचर साइड जो रहती है वो रिसीट साइड पर डिपेंड करती है। मतलब जो भी आपको खर्चा करना है, जो भी काम करना है, उसके लिए जितना पैसा है कि उस हिसाब से आप करोगे। जिसो मराठी म्हणतो आपण की जसं तुमच्या अंतरुणात येईल तर अंतरुण बघून पाय पसरायचे, असा एक प्रकार आहे। सेम थिंग ही, जितना आपका पैसा आएगा, जैसे इनकम होगा, उसी हिसाब से खर्चा करोगे, जितनी चादर उतने पैर फैलाएं। अब अगर ये है तो पहले मुझे ये देखना चाहिए कि मेरा रिसीट क्या है, मेरा इनकम क्या है, मेरे सोर्सेस क्या रहते हैं। बजट में कौन से स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या लोकल बॉडीज हो, कौन से भी है, तीन सोर्सेस होते हैं। एक टैक्सेस, अलग अलग तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा एड, ग्रांटिंग एड जिसको, और तीसरा डेट। ये तीन ही सोर्सेस रहते हैं, और आपको बजट बनाना है तो तीनों तरीके से बना, जो तीनों मिला के जो रिसीट होगी उसी हिसाब का एक्सपेंडिचर करो। तो मेरे पास क्या है, एक तो टैक्सेस है, दूसरी ग्रांटी नीड है, और तीसरा डेट। डेट तो हमने नहीं ले, जो हमारा MMRDA का कोई डेट है 400 करोड़ का वगैरह, हम दे रीपे कर रहे हैं, हमें प्रपोज नया कुछ किया नहीं, तो वो प्रोजेक्ट हिसाब से करेंगे, जहाँ जरूरत होगी वो ले लेंगे। रह गए टैक्सेस और ग्रांटी नीड, और टैक्सेस जो मुझे सिटी की डिमांड है, जो मुझे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ऑपरेशन है, मेंटेनेंस करना है, नए कुछ प्रोजेक्ट लेना है, सिटी की डिमांड के नीड के हिसाब से अगर वो करना है तो मुझे जो सोर्सेस है मुझे ऑगमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे टैक्सेस में कौन से है, मेजर प्रॉफिट टैक्स, LBT, दीज आर द मेजर टू सोर्सेस। जी बिल्कुल। अब प्रॉपर्टी टैक्स देखा जाए, जैसे मैंने बताया कि 425 करोड़ का एनुअल मेरा डिमांड है। अब टैक्सेस बढ़ाने के तरीके दो ही रहते हैं, एक टैक्स रेट बढ़ाओ, दूसरा बेस बढ़ाओ। जी, टैक्स रेट बढ़ाने से आपको ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसको वहाँ लैफर कर बोलते हैं, प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स में लैफर कर नाम की चीज़ होती है, कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर जाने के बाद वो डाउन आ जाता है। सही। तो हमें कहाँ होना चाहिए, वो ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अगर ऐसा रहेगा तो जो टॉप मोस्ट होना था, दैट इज ऑप्टिमम लेवल, वहाँ पर हमें होना चाहिए। वहाँ क्यों, ये रेट भी होना चाहिए, आपका बेस भी बढ़ना चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। अब ये पहली चीज़ क्या है कि हमें बेस बढ़ाना चाहिए। अब बेस तो आर्टिफिशियल नहीं बना सकते, जो है वो तो है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज बढ़ाने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो किया जा सकता है, लेकिन जितने प्रॉपर्टीज है वो टैक्स नेट में चाहिए। तो पहली बात यही है कि हमारा बेस बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आते ही जून जुलाई में एक प्रपोजल डाल दिया था जीपी में कि प्रॉपर्टी का सर्वे कराओ करके, जो कि आज तक हुआ नहीं। सरप्राइज हुआ है, 25 साल में यहाँ के प्रॉपर्टी का सर्वे नहीं हुआ है। आई थिंक दिस मच नो ओनली कॉर्पोरेशन यहाँ के 25 साल में सर्वे नहीं हुआ है कि आपके प्रॉपर्टीज कितने हैं करके। जो भी डेटा है शेडको से लिया, MIDC से लिया, ग्राम पंचायत, वही डेटा है, दूसरा कोई डेटा है ना, साइंटिफिक सर्वे है ही नहीं। क्यों नहीं हुआ आपको लगता है? ऑब्वियसली ना किसी को इंटरेस्ट था, नंबर वन, या फिर अपोजिशन किया गया, नंबर टू, दो ही इशू है, तीसरा इशू कोई हो नहीं सकता। टैक्स नेट से बाहर ही रहे, टैक्स नेट से बाहर ही रहे, यही हो सकता है, दूसरा कुछ इशू नहीं है। तो इसीलिए मैंने पहला प्रपोजल जून जुलाई में डाला, और वो ऐसा डाला कि उसमें साइंटिफिक रहेगा, ओपन रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, टेक्नोलॉजी यूज करें, IT लिडार सर्वे 360 डिग्री, मतलब आपकी जितनी बिल्डिंग है पूरे मुझे दिखेंगे, यू कैन सी इतनी बिल्डिंग कितनी माले की है, उसमें कितना एरिया है, उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, अनऑथराइज किया है, नहीं किया है, पार्किंग कहाँ है, रोड कहाँ है, कितने ट्रीज है, कितने नालाज है, एवरीथिंग विल बी अकाउंटेड फॉर देयर, यू कैन सी इट। और वो हम हमारे जो बेस मैप है, बेस डेटा है, उसमें मैपिंग करेंगे, जो नहीं है उसमें तो उसको टैक्स नेट में लाएंगे, और उसको जो फाइनल करना है, टैक्स लगाना है, वो करेंगे। द फर्स्ट थिंग, वो तो प्रपोजल अब तक हमने सैंक्शन नहीं किया है। क्यों, मैं पूछ सकता हूँ क्यों नहीं किया, क्या रीज़न है उसका, क्या वजह है, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यही निकलता है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग द टैक्स बेस व्हिच इज देयर, यही मतलब निकलता है, दूसरा तो कुछ मतलब निकलता नहीं। तो क्यों नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं कर रहे हो आप?
वहां तो टैक्स रेट बढ़ने की बात है नहीं, बस जितने हैं उनको टैक्स लगाओ, इसी की बात है। मेरा ये मानना है 3,07,000 से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी यहाँ पे है, लेकिन 3,07,000 हमारे रिकॉर्ड पे, लेट इस वेरीफाइड, कम हो तो कम होंगे, ज्यादा हो तो ज्यादा होंगे। बचाने की कोशिश की जा रही है लोगों को, मुझे नहीं पता है बचाने की जाएगी, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। इसका मतलब एक ही निकलता है कि टैक्स नेट से बाहर है, उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। उसको तो हम फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको रोड दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे, सब कुछ दे रहे हैं ना, तो उसके बदले में प्रॉपर टैक्स जो मिलना चाहिए मुझे, मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसको आप पेनलाइज कर रहे हो, और जो इवेड कर रहे हैं या सप्रेस कर रहे हैं टैक्स उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। और टैक्सेशन का बेसिक प्रिंसिपल है कि इक्विटेबल और फेयर टैक्सेशन होना चाहिए, वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। यहाँ कहाँ रहेगा आपका फेयर टैक्सेशन, इक्विटेबल टैक्सेशन? ऑनेस्ट टैक्स पेयर को पेनल्टी लगा रहे हो ना, क्योंकि आपका पैसा जो नहीं पे कर रहा है उसके सेवा में सर्विसेज देने के लिए यूज किया जा रहा है। अगर उनको भी टैक्स आता तो आपको बेटर सर्विसेज मिलती, वो आप नहीं कर रहे, तो कौन गलत कर रहा है? उसे मैं कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ। नगर सेवक ने जो सजेशंस दिए थे प्रोजेक्ट्स के बारे में, कहते आपने कुछ लिया नहीं बजट में, उनका कहना है? नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ, क्योंकि ये पहली चीज है। दूसरा मैंने क्या बोला कि आप टैक्स रेट बढ़ाओ, अब मैंने प्रॉफिट टैक्स बढ़ाया क्या? मैंने जो प्रपोजल किया है कि आपका रेटेबल वैल्यू, इसमें तो मैंने चेंज नहीं किया हूँ, मैंने क्या किया? पानी का बढ़ा दिया। नहीं नहीं, इसमें बताऊँ, इसमें ये करा है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीच में नोटिफिकेशन निकाला और 2016 के रूल्स बनाए हैं, मैनिफेस्टो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ये बनाए। उन्होंने ये बताया कि इसमें आप सॉलिड वेस्ट जो क्रिएट करता है उसको टैक्स लगाइए, वो रूल नंबर 2 कुछ है उसमें। उस हिसाब से जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें एक कंपोनेंट हमने डाल दिया है कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल के हिसाब से 3% फॉर रेजिडेंशियल और 5% फॉर कमर्शियल हमने लगाया है। दिस इज द प्रपोजल। बेसिक प्रॉपर्टी टैक्स हमने बढ़ाया नहीं है, बैकडोर एंट्री है। नहीं, बैकडोर पे एंट्री नहीं है, उसका जो कंपोनेंट रूल के जो रूल्स है 2016 के, वो मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है, वो मैंडेटरी है कि जो उसका बेसिक ये है कि पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, जो पोल्यूट एनवायरमेंट करता है उसने पे करना चाहिए, जो गार्बेज क्रिएट करता है उसने वो सर्विसेज के लिए करना चाहिए। अब उस हिसाब से रेसिडेंशियल जो है हमारे 3% से मुझे कितना मिलने वाला है? आई एम गोइंग टू गेट 6 to 7 crores बाय रेसिडेंशियल बाई इंक्रीजिंग 3%। वो 38% रेटेबल वैल्यू पर था, वही तो 41% तक जाता है, और कमर्शियल का 5% मिला रहा उससे मुझे 20 crore मिलेगा, 27 crore का मतलब उससे बढ़ोतरी मिलेगी, एक हो गया बात। तो दैट इज वॉट द प्रपोजल ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, जिसके म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के हिसाब से जो मैंडेटरी मैंने बताया उसमें बढ़ाना है। दूसरी बात इसमें जो है कि अभी हमने जो हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट है उस हिसाब से मैंने पॉलिसी लाई कि जो भी हमारे लेबर्स है तो मिनिमम वेजेस एक्ट होना चाहिए। जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में है स्वच्छता कर्मचारी, हमने आउटसोर्स किया है, हमने बोला कि नहीं अभी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मिनिमम वेजेस से देना पड़ेगा, ये पॉलिसी हमने अप्रूव कर दी। बहुत कंट्रोवर्सी के बाद हुई, मैंने बहुत दीपावली के आसपास मैंने डाली थी, अभी बहुत उनके प्रेशर आने पर उन्होंने सैंक्शन किया। अभी वो जो बढ़ाना है उसका इम्पैक्ट कितना है? उसका इम्पैक्ट एक्चुअली 27-28 crore है, अगर जो अभी वेजेस दे रहे हैं बैलेंस हो रहा है तो। वही मैंने डिमांड किया है, इसमें गलत क्या? मेरा इसका पूरा लॉजिक है, उसका रीजनिंग है, आर्बिट्री कुछ भी नहीं है इसमें। तो वो रीजन है मैंने स्टैंडिंग में बताया कि व्हाट आर द रीजंस, उसके रैशनल क्या है। तो आप बोलोगे नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? तो हमने बताया कि 20 साल हम बढ़ाएंगे नहीं, अगर 20 साल बढ़ाएंगे नहीं तो जो वेज बढ़ रहे उसका पेमेंट कहाँ से करूँ मैं? मुंडे साहब, बात ये है, आप जो बोल रहे हो कि कैसे करूँ मैं, अभी 10-15 साल से तो हो रहा था। नहीं तो वही बोल रहा हूँ कि रूल से 2016 में आए ना ये जो रूल्स है, मुझे दूसरी बात ये रूल्स आए इसलिए उस हिसाब से। मेरा तो मानना ये था कि प्रॉफिट टैक्स को बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये मुझे पहले करना है, मैंने स्टेप बाय स्टेप, आप जो बोल रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप, आपको लगता है कि मैं सर्जरी करता तो मैं टैक्स ही पूरा बढ़ा देता। उसका मैंने कंपैरिजन में बता दिया कि कहाँ पे, ठाणे, मुंबई, पुणे, कल्याण, उल्लासनगर, ये सब कॉरपोरेशन का आप टैक्स देख लीजिए, इंक्लूडिंग कल्याण डोमिल का दीजिए, उल्लासनगर का देख लीजिए, ठाणे का दीजिए, पुणे का दीजिए, इसका रेटेबल वैल्यू सबसे कम जो है हम छोड़ के वो 50% है, 50% ठाणे का है और हमारा 38% है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि ठाणे
केडीएमसी का कुछ 320% है, ओला का कुछ है, उनका हमसे ज्यादा है प्रॉफिट टैक्स रेटेबल वैल्यू का परसेंटेज जो है वो ज्यादा है। और ऑन द कॉन्ट्ररी टैक्सेशन जब करते हो तो किस तरह से होना चाहिए, इक्विटेबल, फेयर, ट्रांसपेरेंट, न्यूट्रल। तो उसमें है कि आपका अगर इनकम ज्यादा है तो यू पे मोर, दैट्स व्हाट यू से। अगर महाराष्ट्र का इकोनॉमिक सर्वे होता है, पर कैपिटा इनकम निकलता है, पर कैपिटा इनकम आप देखिए सिडको नई मुंबई का निकलता है, इसे ओनली डिस्ट्रिक्ट वहाँ अलग से होता है, मतलब कॉर्पोरेशन एरिया में डिस्ट्रिक्ट का निकलता है जी। आपको पता है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम कहाँ का है? नई मुंबई का। व्हाट डज इट मीन, योर पेइंग कैपेसिटी इज मोर। अगर पेइंग कैपेसिटी है सबसे ज्यादा है फिर भी प्रॉफिट टैक्स सबसे कम है, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? आपकी बात मैं मानता हूँ, ये बात तो नहीं, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन अभी जो मेन अभी उठाया है इन लोगों ने वो है पानी के जो चार्जेस अभी आपने जस्टिफाई किया शुरुआत प्रोग्राम के शुरुआत में, आपने जस्टिफाई किया कि टेलीस्कोपिक चार्जेस कर रहे हैं, कोई भाई आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ये कर रहे हैं, कम यूज़ करने वालों को मैं पेनलाइज क्यों करूँ, उनको कम में ही दे रहा हूँ, आपके लॉजिक सब सही है। मेरा ये कहना है कि जब रूलिंग पार्टीज़ होती हैं, एक इलेक्शंस लड़े जाते हैं, पॉलिसीज़ अनाउंस किए जाते हैं, एश्योरेंसेस दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे गणेश नायक ने दिए थे कि 20 साल तक यहाँ पे नवी मुंबई में नहीं बढ़ाऊँगा मैं, इसके पहले भी कमिश्नर्स आए, बॉडीज़ थी और नहीं बढ़ाया गया, उसमें कमिश्नर्स ने एडजस्ट किया, जैसे भी किया, जो भी किया एडजस्ट किया किया, आपने आके वो टेलीस्कोपिक, हालांकि मुझे याद है आपके पहले जो थे वाघमारे साहब, उन्होंने भी कहा था कि मैं बढ़ाना पड़ेगा और ना नहीं हुआ तो मैं गवर्नमेंट से भी कराऊंगा, बट फाइनली उन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने भी एडजस्टमेंट कर लिया। आप आके आपने पानी के टेलीस्कोपिक ही सही रेट बढ़ा दिया है, तो आपको नहीं लगता कि रूलिंग पार्टी के भी अश्योरेंसेस कुछ होते हैं और वो उसको भी यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन? फिर भी आपने बढ़ा दिया वाटर चार्जेस, बढ़ा क्या, प्रपोज किया, अभी तो बढ़ा नहीं है, प्रपोज किया, पर वो अगर नहीं मानेंगे तो आप मान जाएंगे? एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ मैं, वो तो सीधे क्योंकि मुझे करना है, इसका रीजन में देना, व्हाई आई एम डूइंग इट, उसके बाद रीजन है, रैशनल है, आर्बिट्री कुछ भी नहीं है, तो वही तो बढ़ रहा हूँ। ये तरह के आप बोलते हो कि 24/7 वाटर दे दो, बिल्कुल मिलना चाहिए, जैसे कोई दो राय नहीं है। मैंने जब बोला कि कम से कम 35 चाहिए तो आपने बोला कि हमसे 200 चाहिए, मैं बोल रहा हूँ 400 ले लो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको पे करो ना, उसके लिए पे करो, उसकी कॉस्ट है ना, मैं तो कैपिटल कॉस्ट नहीं मांग रहा हूँ, वो वैंड एम कॉस्ट ही मांग रहा हूँ। मैंने कैलकुलेशन दिया है कि मेरा खर्चा 135-140 करोड़, उसी के हिसाब जितना आता है उस हिसाब से मैंने प्रपोज किया है, मैंने 200 करोड़ रिकवर करने की बात ही नहीं की है, जो प्रपोजल ले रहा हूँ 140 करोड़ का ही है, तो उसी की बात की है। आपको सर्विस तो चाहिए, तो सर्विस तो फ्री में नहीं मिलेगी आपको, कोई कहीं ना कहीं तो कॉस्ट है उसकी, अब वो कॉस्ट मैं कहाँ से रिकवर करूँ? आप बोल रहे हो पानी मत बढ़ाओ, ठीक है, मैं कहाँ से बताऊँ, बढ़ाओ मुझे बताओ। आप सॉलिड वेस्ट आपको चाहिए, उठाना चाहिए, अच्छी तरह से चाहिए, सेग्रीगेशन चाहिए, उसको उठाने की कॉस्ट कहाँ से लाऊं मैं? ना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाओ, ना वाटर टैक्स बढ़ाओ, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊं? ये तो मुझे बताया है। आपने जो बजट में भी जैसा भी आप बता रहे थे कि अरियर्स है 1900 करोड़ के भी आ रहे हैं सर, नहीं आपने अभी जो प्रपोजल दिया है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स आपने 800-850 बताया, नहीं बट इसमें ये 19 करोड़ का आपने प्रोविजन किया है कि ये भी आएंगे, ये आपने नहीं पकड़ा अपने बजट में? 1900 करोड़ में तो एक दिन में आने वाले नहीं है, साल भर में भी तो कुछ तो पकड़ा है ना, मैंने उसका प्रॉफिट टैक्स नेक्स्ट ईयर का मैंने 800 करोड़ पकड़ा जी, 800 पकड़ा है, और डिमांड जैसा आपने कहा कि 1900 करोड़ का है, 1900 करोड़ इस साल भी कुछ आया ना, क्योंकि हमारा जो 500 करोड़ था उसके हमें 700 करोड़ के दो से कुछ ज्यादा करोड़ हो गए, नेक्स्ट ईयर हमारा बेसिक 400 रहेगा, 425 और 400 करोड़ दिए गए, कुछ लिटिगेशन भी जाएंगे, एक दिन में तो रिकवर होने वाले नहीं है जी, कुछ कम भी हो सकते हैं, वो जो रेक्टिफिकेशन है तो हिसाब करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल पकड़ के आपने पकड़ा है, कैलकुलेट करके किया, ऐसा आर्बिट्री कुछ भी नहीं। मुझे ये बताइए अभी तो आपको सिविक सर्विसेज तो अच्छी चाहिए, पानी 24/7 चाहिए, कचरा आपका टाइम पे होना चाहिए, लाइट आपको बिल्कुल ये चाहिए, तो इसका जो सोर्स है वो तो टैक्स है ना, वो प्रॉपर्ट टैक्स है, वाटर टैक्स ही है, लेबिलिटी तो मेरे हाथ में नहीं, वो गवर्नमेंट के हाथ में है, क्योंकि वो तो कॉर्पोरेशन नहीं करता है, वो तो गवर्नमेंट करता है, वो सबके लिए सकता है, वो तो चेंज करेगा, जो होगा तो वो तो लेंगे, वो भी GST आने के बाद वो भी बंद हो जाएगा, GST से जो मिलेगा उतना मिलेगा हमें। अगर आपको 21st century की सिटी बनाना चाहते हो, आपको स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हो, आपको पार्किंग का प्रॉब्लम है, पार्किंग डेवलपमेंट करना चाहते हो, आपको गार्डन चाहिए, गार्डन अच्छी तरह से चाहिए, वो बनाना चाहते हो, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? पैसा टैक्सेशन तो आएगा, वो ग्रेजुअल होगा, तो मैं इसीलिए ग्रेजुअल कर रहा हूँ ना, आप मुझे बेस है वो अकाउंट फॉर करे नहीं दे रहे, ना आप मुझे सॉलिड वेस्ट का चार्जेस है वो नहीं कर रहे दे रहे हो, जो पानी चाहिए उसका मैं चार्ज लगाया तो वो नहीं कर रहे दे रहे हो, तो ये सर्विसेज कहाँ से मिलेगी आपको? और दूसरी तरफ आप ही बोल रहे हो कि हमारे 500 करोड़ के काम जो नगर सेवक उसे इंक्लूड कीजिए, अब मुझे ये समझ में नहीं आता है,
मैंने 200 करोड़ बढ़ाया टोटल, जो तीसरा इश्यू मैंने जो बढ़ाया है उसमें बढ़ाया नहीं है, एक्चुअली प्रपोज किया है उसमें कि कंपाउंडिंग चार्जेस जो इल्ली अनऑथराइज बिल्डिंग है जो लॉ के हिसाब से रेगुलेट हो सकती है सेक्शन 143 ऑफ MRTP, वो सब चार्जेस मैंने बोले अगर वो किए तो उससे कुछ पैसे आएंगे, और जो ऑथराइज रेगुलेट हो सकती है वो रेगुलेट जो गिराने की जरूरत नहीं आएगी, दोनों का है वो भी आपने नहीं बोल दिया। अब ये आपको नहीं दोगे तो सर्विसेज जो है वो कहाँ से आएगी, वो कम हो जाएगी। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये सिटी का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिडको ने किया है, इसीलिए अपन वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अब अगर वैल्यू एडिशन करने के लिए आपसे सर्विस चार्जेस न लू तो आपको पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा, सिटी नहीं बढ़ेगी। और हम जो बोल रहे हैं कि मुझे सिटी लिवेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली वाइब्रेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, स्कूलिंग फैसिलिटेशन होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटेशन होना चाहिए, गार्डन अच्छे होने चाहिए, बस अच्छी होनी चाहिए, तो इसका खर्चा कौन करेगा? हमारा सोच तो ये है। और 25 साल से तो नहीं बढ़ा है ना, अगर 25 साल से नहीं बढ़ा, एक बार बढ़ा रहा हूँ उसका रीजन मैं दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ बोलो कि मुझे काम बढ़ा दो तो पैसा कहाँ से आए वो तो मुझे बताया। ये सब मानते हुए जिस तरह से आप पैशनेट है अपने बजट के बारे में है, बट जिस तरह से नजर आ रहा है कि जिस तरह से स्टैंडिंग ने उसको रिस्पॉन्स दिया, महासभा में आएगा ऑब्वियसली मना किया जाने वाला है, रिजेक्ट किया जाने वाला है, ऐसे में आप क्या करेंगे, आप अपने पावर्स यूज करेंगे? जो मेरी अथॉरिटी यूज करूंगा, मैं पहले से बता रहा हूँ कि सिटी के इंटरेस्ट में जो भी होगा, यानी आप वो बजट फिर स्टेट गवर्नमेंट से पास करवा के लेंगे, वो तो कुछ नहीं बताऊंगा, जो राइट टाइम पे मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे अथॉरिटी में यूज करूंगा, क्योंकि रीजन इतना ही है इसमें। आपकी अथॉरिटी क्या है? वो तो लॉ में लिखी है पूरी, नहीं हम ज्यादा पढ़े नहीं है लॉ को, क्लियरली लिखा है, यानी आप अपने कमिश्नर होने का अथॉरिटी यूज करेंगे एंड आप कमिटेड हैं कि ये बजट आप जिस जो आपने प्रेजेंट किया है वो ही इंप्लीमेंट करेंगे? नहीं, वो तो वही बोल रहा हूँ, जब अभी जीबी में क्या डिसीजन होता है वो देखा जाएगा, उसके बाद मैं मेरा स्टैंड क्लियर करूंगा। स्टैंडिंग में तो मैंने मेरा स्टैंड क्लियर कर दिया है कि आपने जो किया है मुझे, आपने स्टैंडिंग में साफ साफ कहा कि मैं अपना ही बजट प्रेजेंट करूंगा जीबी में, आपने जो चेंजेस किए मुझे मानने नहीं है जी, इसका रीजन भी मैंने दिया, मुझे बोलने भी नहीं दिया गया था जी, जब डिस्कशन है उस टाइम में मैंने आंसर किया पूरे ईच एंड एवरी क्वेश्चन का किया है, उसका रैशनल दिया है, लॉजिक दिया, उन्होंने भी किया, उसको ना रैशनल है ना लॉजिक है ना उसका बेस है, बस मेरे काम बढ़ा दो, पैसा कहाँ से आया उन्होंने बताया नहीं है। उन्होंने टैक्सेस तो कम कर दिए, वो टैक्सेस 200 करोड़ रुपए के कम कर दिए मुझे जो प्रपोज किए थे जी, लेकिन 2999 से 2930 कुछ तक 60 करोड़ किया, वो 140 रुपये कहाँ से, 140 रुपये कहाँ से आएंगे, करोड़ रुपये कहाँ से आएंगे, वो तो नहीं बताया, बस प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा मतलब रिकवर करो, कहाँ से करो, उसका कोई रीजन तो हो कुछ तो बताए, आपको जो चाहे आर्बिट्रेरी कुछ भी बताए, और मैं रैशनली बता रहा हूँ, फिगर्स बता रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ, लॉ बता रहा हूँ, उसको आप मान नहीं रहे हैं तो डेमोक्रेटिक कौन है, मैं हूँ यहाँ आपको। स्टैंडिंग में तो आपने बहुत साफ कर दिया कि आप लोगों ने जो नॉर्मली ऐसा होता था कि स्टैंडिंग जो पास करता था फिर वो जीबी में जाता था, स्टैंडिंग में आपने बहुत क्लियर कर दिया कि आपने जो किया है वो मुझे मान्य नहीं है, तो आप जीबी में आप ही का बजट फिर प्रेजेंट करेंगे, स्टैंडिंग का जो चेंज किया हुआ वो नहीं करेंगे? जीबी में बजट स्टैंडिंग कमेटी देती है, मैं नहीं देता। ओके, अब स्टैंडिंग कमेटी उनका अगर दिया है तो सीधी बात है वो डिपेंड करने का मेरा रिलेशन नहीं आता है, कि उन्होंने जो किया तो डिपेंड उनको करना है, उसके मुझे क्वेरी रहेगी मैं करूँगा, ये मेरी क्वेरीज है, तो यू आर स्टैंडिंग बाय योर बजट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द वापस आएंगे।